हेलो नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज अनुपात और समानुपात का पार्ट 13 करने जा रहे हैं, जिसमें गाय व मुर्गा से संबंधित प्रश्न उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, गाय व मुर्गा से जो भी बेसिक सा क्वेश्चन होता है उसे हमने पढ़ा था, उसी का 2 क्वेश्चन का कंटिन्यू हम लेकर चलते हैं, ताकि अगर जो आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और उसी 2 क्वेश्चन को हम लोग कुछ नया क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में कम से कम हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो भी चैप्टर होता है जैसे ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत, वो सभी रुपया सिक्का से संबंधित, निशानेबाज से संबंधित, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में जो भी क्वेश्चन होता है गाय मुर्गा से, वो प्रश्न आप बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको पिछला वीडियो में जो 2 क्वेश्चन था, हम लोग उसी पर आधारित 2 क्वेश्चन लेकर चलते हैं, स्टार्ट उसी से करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, मतलब 9 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन 10 से चलते हैं। उसके आगे ये क्वेश्चन सीबीआई 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इस बरिया के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी तथा कुछ भेड़ है। मुर्गी मतलब जानते हैं 2 पैर होता है मुर्गी के, और भेड़ मतलब 4 पैर, इतना आपको ध्यान रखना है। यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है तो दोनों के कुल, और दोनों के सिरों की कुल संख्या 38 है, तो कुल मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात बताइए। मतलब क्वेश्चन नंबर 11, इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखिए, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और अगर जो आपके प्रश्न में दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो इलिगेशन लगाकर भी बना सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म का जो होता है, जितना शॉर्ट से शॉर्ट बना सकते हैं उसे हम बताते हैं, मतलब तुरंत बनना चाहिए। तो आपको तुरंत बनाने के लिए हमने पिछले वीडियो में लास्ट मतलब मेथड, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट मेथड, मतलब 5वां तरीका जो बताया था, उससे आप 4 पैर वाला निकालना चाहते हैं। मतलब जो भी सिरों की संख्या दिया रहता है और पैरों की संख्या का आधा करते हैं, दोनों का जो अंतर होता है वही 4 पैर वाला निकलता है, तो उससे हम लोग तुरंत बना लेंगे। तो देखिए, पहले 4 पैर वाला निकाल लेते हैं। तो 4 पैर वाला कितना है जो निकालना है आपके प्रश्न में, तो अनुपात पूछ रहा है। अनुपात किसका पूछ रहा है, कुल मुर्गी तथा भेड़, मतलब 2 पैर वाला और 4 पैर वाला का अनुपात। तो पहले 4 पैर वाला हम निकाल लेते हैं। 4 पैर वाला तो तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे तुरंत निकालेंगे, 4 पैर वाला निकालने का तरीका आपको बताए थे कि सिरों की संख्या कितना दिया है, सिर टोटल कितना दिया है, सिर दिया है दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 तथा दोनों के कुल सिरों की संख्या 38, मतलब सिर 38 दिया है, और पैर कितना है, टोटल पैर कितना है 100। क्वेश्चन नंबर पहला में टोटल पैर कितना है 100, तो हमने आपको बताया था कि 4 पैर वाला निकालना है तो पैरों की संख्या में 2 से भागा करेंगे, और 2 से भागा करेंगे तो जितना आएगा भागा देने के बाद 2 से पैरों की संख्या में, वो और सिर की संख्या दोनों का अंतर जितना होगा, अंतर दोनों का कितना होगा 12 होगा, 48 12 50 हो जाएगा। मतलब 4 पैर वाला कितना निकाल कर चलाया, 4 पैर वाला कितना आ गया 12, तो 2 पैर वाला कितना होगा, 2 पैर वाला आपको निकालना है तो 2 पैर वाला कितना हो जाएगा, 2 पैर वाला निकालना है तो टोटल कितना है, सिर टोटल कितना है, टोटल सिर है, सिरों की संख्या 38, 38 में से 12 हो गया 4 पैर वाला, 38 में से 12 हो गया 4 पैर वाला, तो 2 पैर वाला कितना है, 38 में से 12 को घटा देंगे मतलब कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा 2 पैर वाला। तो 2 पैर वाला और 4 पैर वाला दोनों का अनुपात, मतलब 26 अनुपात 12, तो कितना हो जाएगा 13 13 दुनी 26 6 दुनी 12, मतलब 13 अनुपात 6। यानी कि इस प्रश्न को आप इस तरीके से बना सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर 11 का ही मेथड सेकंड देखिए आप, बहुत तरीका, मतलब 5 तरीका हमने बताया था किसी तरीके से बना बता सकते हैं। तो देखिए, इसका दूसरा हम एलिगेशन मेथड भी बता देते हैं, एलिगेशन से भी आप इसे बना सकते हैं। एलिगेशन से कैसे बनाइएगा, जो देखिए, आपको 2 पैर वाला और 4 पैर वाला का अनुपात पूछ रहा है। देखिए, मुर्गी तथा भेड़, मुर्गी मतलब 2 पैर वाला, भेड़ मतलब 4 पैर वाला, तो देखिए कुल सिर कितना दिया है 38, सिर 38 लिखेंगे, इसका टोटल 38 सिर है। एक 2 पैर वाला जो भी मुर्गी है उसका, एक मुर्गी का 2 पैर, तो ये मुर्गी लिख रहे हैं, मुर्गी है और ये भेड़ है, मतलब मुर्गी और भेड़, मुर्गी मतलब 2 पैर, भेड़ मतलब 4 पैर, तो 38 में 2 से गुना करेंगे, एक मुर्गी का 2 पैर, तो 38 मुर्गी का 38 दूनी 76 पैर, एक मुर्गी एक भेड़ का 4 पैर, उसी प्रकार से 38 भेड़ का कितना पैर, 38 गुना 4 मतलब 8 चौक 32, यहां से गुना कर देंगे 38 गुना 4 कर देते हैं यहीं पर,
आठ चौके 32, हाथ में 3, 4 के 12, 3 15, 152। और आपके प्रश्न में कुल पैरों की संख्या दिया है, देखिए 100, तो यहाँ पर लिखेंगे, बीच में लिखेंगे 100, तो ये 76, ये 100 है, ये 152 है। यहाँ पर हम एलिगेशन लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, कि 76 और 100 में 76 है जो इससे छोटा है और 152 है जो इससे बड़ा है, मतलब यहाँ पर बीच वाला जो वैल्यू होता है उसमें से ये दोनों में से एक छोटा और एक बड़ा होता है। तो 76 और 100 का अंतर कितना हो जाएगा, 24, 76 80 100, 152 और 100 का अंतर कितना हो जाएगा, 52। यहाँ से रेशियो निकालिए, तो 13 चौके 52 और 6 चौक 24, मतलब 4 4 बार में कैंसिल किए हम, तो 13 चौक 52 और 6 चौक 24, तो मुर्गी का रेशियो, मुर्गी 13 और भेड़ 6, अनुपात में 13:6 इस प्रकार भी निकाले थे, तो 13:6। आप कोई भी तरीका से बनाइए, बायोलॉजिक भी बना सकते हैं, उससे भी इतना ही आएगा। तो हमने इसे दो तरीका से आपको बताया, पिछले वीडियो में हम 5 तरीका से क्वेश्चन को बताए थे, तो हम एक ही क्वेश्चन को अगर जो सभी क्वेश्चन को 5 5 तरीका से बताने लगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हम कोई भी एक तरीका लेकर चल सकते हैं, आप बनाइए, आपसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए तुरंत कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कलम लगाने की भी जरूरत नहीं, अगर जो अनुपात नहीं पूछे, सिर्फ दोनों में से एक ही पूछे, गाय या मुर्गा की संख्या, मतलब दो पैर वाला पूछे या चार पैर वाला पूछे, तो आप किस प्रकार बनाइएगा, जो देखिए दो पैर वाला पूछ रहा है कि चार पैर वाला, मुर्गी कितने मुर्गे है, मतलब दो पैर वाला पूछ रहा है, तो आपको बताया था कि चार पैर वाला निकालेंगे, तुरंत निकाल सकते हैं चार पैर वाला। तो चार पैर वाला कैसे निकालेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर ये हम 11 मिटा देते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर 10 बताया आपको, पिछला बताया था क्वेश्चन नंबर कितना था, 10 था, यहाँ पर भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था जो क्वेश्चन नंबर 10 था। आप क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पिछला जो बताया है यहाँ पर गलती से लिखा गया था 11, क्वेश्चन नंबर 10 था, आप 11 देखिए, 11 का सोल्यूशन देखिए, गाय व मुर्गे है, हरिया के पास कुछ, कुल सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो कुल कितने मुर्गे है। आपके प्रश्न में मुर्गा निकालना बोल रहा है, मुर्गा मतलब दो पैर वाला निकालने बोल रहा है, तो टोटल को चार पैर वाला मान सकते हैं, तो टोटल कितना है, कुल सिर 48 है, मतलब 48 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 192, और आपके प्रश्न में दिया है कितना, 140 पैर, आपके अनुसार मतलब माने उसके अनुसार 192 पैर, जबकि प्रश्न में दिया है पैरों की संख्या 140 है, तो 92 और 140 का अंतर कितना होगा, 92 और 140 का अंतर, तो 40 50 90 और 2 92, मतलब 52 हो जाएगा अंतर। तो क्या बताए थे कि जो भी अंतर आएगा उस अंतर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, अंतर को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 52/2, तो 26, यही मुर्गा की संख्या आपको निकल गया। दूसरा तरीका देखिए, गाय की संख्या अगर जो निकालना है तो क्या करेंगे, गाय की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या बताए थे, गाय की संख्या निकालना है तो आपके प्रश्न में सिर कितना दिया है, सिर दिया है कितना 48, और पैर कितना दिया है, पैर कितना दिया है 140। तो हमने आपको बताया था ये पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसमें गाय की संख्या निकालने बोले थे, इसमें मुर्गे की संख्या दे दिए निकालने, यही क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा गया है। पिछला वीडियो में कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर कितना भी, उसमें मुर्गों की संख्या नहीं, हम गायों की संख्या पूछे थे। तो देखिए कैसे बनाए थे, मतलब चार पैर वाला अगर जब पूछे तो कैसे बनाएंगे, तुरंत पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 70 हो गया, 48 और 70 का अंतर कितना, तो 48 20 50 20 70, मतलब 22, यानी कि गाय की संख्या कितना हो गया 22, अगर जो गाय की संख्या पूछता तो आंसर 22 होता, मतलब इस प्रश्न को आप तुरंत बना सकते हैं, या यहां से भी बना सकते हैं, मुर्गा 26 निकलकर चला आया तो गाय निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल कितना है 48 है ना, 48 सिर है, 48 में से 26 घटा देंगे तो यहां से भी बात आएगा, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो हमने इस प्रकार, मतलब पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार के ये दो क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जैसे यूपीएससी का पर ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 एक्टिव 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें भी हम एग्जाम डेट वाइज लिख दिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 एसएससी 2003 में पूछा गया है, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप आपका पर्सनल क्वेश्चन उस प्रकार नहीं रहेगा कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या, उस प्रकार से क्वेश्चन अब हम उससे दूर जाते हैं, मतलब वो बहुत सारे उस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन में आपको उतना पकड़ हो गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन को आप बना लेंगे। तो
ये रुपया सिक्का से संबंधित प्रश्न जो भी होता है, ब्याज से संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है, वो सभी क्वेश्चन आप करेंगे। बारी बारी से देखिए, सिक्का से संबंधित हमने दो प्रश्न को उठाया, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, उसी को हमने लिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन, सबसे पहले इसका पहला तरीका देखिए, कम से कम दो तीन तरीका बता देंगे ताकि आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। एक व्यक्ति के पास 20 पैसा तथा 25 पैसा के कुल 324 सिक्का, मतलब 20 पैसा वाला 25 पैसा वाला सिक्का है, कुल मिलाकर 324 सिक्का है, जिनका कुल मूल्य 71 रुपया है, यानी कि 324 सिक्का है तो उसका मूल कितना है, 71 रुपया है। तो 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितनी है, 120 की, 124 की, 140 की, 200, मतलब 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या बताना है। तो देखिए सबसे पहला तरीका, 25 पैसा वाला आपको निकालना है, 25 पैसा वाला आपको चाहिए। सबसे पहला तरीका मेथड वन जो सबसे बेस्ट होता है वो बता रहे हैं, 25 पैसा वाला चाहिए आपको प्रश्न में। तो टोटल जितना दिया है 324 सिक्का, टोटल के टोटल कितना मान ली, 20 पैसा वाला जो निकालना रहता है तो उसके रिवर्स जो दिया रहता है वो मान लेते हैं, मतलब 25 पैसा वाला निकालना है तो टोटल मान लिए, मतलब कुल को मान लेंगे 20 पैसा वाला है। तो 324 सिक्का है, 324 सिक्का 20 पैसा वाला कितना हो जाएगा, 20 पैसा वाला कितना हो जाएगा, मतलब 20 पैसा है तो 20 पैसा को हम लोग बोल सकते हैं 20 बटा 100 कर देंगे तो रुपया हो जाएगा, मतलब इसी को बोल सकते हैं 1/5, इसी को बोल सकते हैं क्या 1/5, इसे आप कैसे भी कर सकते हैं, मतलब 1/5 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इससे 5 से आप भागा भी दे सकते हैं या इसको दुगना कर देंगे, 1.5 बैठा देंगे, मतलब 324/5 कितना हो जाएगा, जो देखिए 4×8 और 32×64, 1.5, मतलब 64.8। देखिए अभी तक ध्यान से हमने क्या किया है कि 25 पैसा वाला निकालना है तो कुल मान लिए 324 सिक्का है, जो 20 पैसा वाला है तो 324 में 20 पैसा से गुना करेंगे, 20 पैसा मतलब 1/5 रुपया, तो 1/5 से गुना किए मतलब इतना ये क्या में चला गया, रुपये में चला गया। और आपके प्रश्न में दिया है 71 रुपया, आपके प्रश्न में दिया है, प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में दिया है 71 रुपया। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा, जो निकाल लीजिए, मतलब 71.0 में से घटा लेंगे 64.8, तो कितना हो जाएगा 6.2, कितना हो जाएगा 6.2, मतलब अंतर को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 25 पैसा और 20 पैसा का अंतर, 20 पैसा और 25 पैसा दोनों का अंतर कितना होगा, 5 पैसा होगा, 5 पैसा मतलब क्या 5/100 रुपया, 5/100 रुपया, या इसी को बोल सकते हैं, इतना ही रहने देते हैं, मतलब 5 पैसा से डिवाइड कर रहे हैं, 5 पैसा मतलब 5/100 रुपया, ये रुपया में, इसको भी रुपया में करेंगे। तो देखिए बस यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, मतलब 100 को ऊपर भेज सकते हैं और यहां से 0.5 हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, मतलब इसे इतना का आप हल कीजिए जितना जल्दी वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 62×124 ये आपको बताना था, तो हमने लिख कर एक एक स्टेप करके बताया, डायरेक्ट शॉर्ट इसे मौखिक कैसे बनाते जो भी बता देते हैं। जो देखिए 25 पैसा के सिक्कों की संख्या निकालना है तो 324 सिक्का है जो मान लिए 20 पैसा वाला है, तो 324×20 करेंगे, 20 पैसा मतलब 1/5, तो कितना हो जाएगा 64.8 रुपया हो जाएगा। तो 64.8 आपके अनुसार हुआ, मतलब माने उसके अनुसार, और प्रश्न में दिया है 71, तो 64.8 और 71 का अंतर कितना है 6.2 रुपया, तो 6.2, और यहाँ अंतर कितना है 20 पैसा और 25 पैसा का अंतर कितना है 5 पैसा है, 5 पैसा मतलब 5/100 रुपया। तो अंतर का तुलना अंतर से, तो 6.2 रुपया का तुलना 5/100 रुपया से ही हल किए हैं, आपके प्रश्न का आंसर चला गया कितना 124, तो 124 ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया। या इसका दूसरा तरीका आपको बताते हैं, दूसरा तरीका देखिए, मतलब दूसरा तरीका क्या होगा, एलिगेशन से बता देते हैं, या x मान के 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल x y मान के भी बता सकते हैं, आपको जो तरीका पसंद पड़े उससे बना सकते हैं। हम दूसरा तरीका इसका बता रहे हैं, मान लीजिए किससे बता रहे, एलिगेशन से ही बता देते हैं, एलिगेशन से कोई भी दो तरीका से बता देते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। देखिए 25 पैसा वाला 20 पैसा वाला दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, 20 पैसा और 25 पैसा दो प्रकार के पैसा है, 20 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है, कुल कितना है 200, 300, कुल कितना है 324 सिक्का है,
यहाँ भी 324 सिक्का है, कितना तक आप समझ चुके होंगे, कुल 324 सिक्का है, तो 20 पैसा वाला, तो 20 पैसा वाला कितना हो जाएगा, 20 पैसा वाला निकालना है तो इतना गुना 20 करेंगे, 20 बटा 100, मतलब ये 20 से गुना करेंगे तो पैसा में रहेगा, अगर तो बटा 100 कर देंगे तो ये रुपया में हो जाएगा। उसी प्रकार से 25 पैसा वाला निकालना, तो 25 बटा 100 करेंगे तो मतलब इतना रुपया हो जाएगा। और टोटल कितना दिया है, टोटल है 71 रुपया, को हम लोग यहाँ लिखेंगे बीच में, इसका अंतर करेंगे, पहले इसे हल कर लीजिए, मतलब 20 एकम 20 25 100, तो 324 बटा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 62.8 आएगा। उसी प्रकार से इसे हल कीजिए, तो 25 चौके 100, मतलब 324 बटा 4, तो इसे हल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 81, 384 32 1 चौके 4, मतलब 81, यानी कि 62.8 और 81, इसका अंतर कितना हो जाएगा, मतलब 62.8 और 71, अगर जो घटाना नहीं जानते तो इस प्रकार आप घटा भी सकते हैं अलग से साइड में, तो आप 10 में 60 किया 2, यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8, मतलब 8.2, यहाँ हो जाएगा 8.2। उसी प्रकार से 81 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 81 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 71 10 81, मतलब इसका अंतर 10 हो गया। ये देख लीजिए 71 में से घटावेंगे 62.8, 61 में से घटाएंगे 62.8, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 0 हो गया, फिर 10 में से 2 गया 8.2, ठीक है। अब इसका हल कीजिए, इसका हल करेंगे तो उसी प्रकार से मतलब दशमलव हटावेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10, और ये 10 यहाँ चल जाएगा, ये 10 यहाँ चला आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 यहाँ आएगा तो 100:62, एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां पर हमने ये गुना किया, 324/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 दुनी 64 4 दुनी 8, मतलब 64.8 हो जाएगा, 64.8 हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ था, 64.8 में से 71 में से 64.8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.2, ये कितना हो जाएगा, 6.2, 6.2 मतलब 62/10 इसको बोल सकते हैं, 62/10, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 दहें इतना कितना हो जाएगा, 100 100/62। तो देखिए ध्यान से, ये सिक्कों की कुल संख्या निकल कर चलाया, सिक्कों की संख्या मतलब ये रेशियो निकलता है तो क्या होता है, संख्या होता है, तो सिक्कों की संख्या कितना चलाया, 100:62, मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया अनुपात में 162। आपके प्रश्न में टोटल कितना दिया है, 324, आपको क्या निकालना है, 25 पैसा वाला निकालना है, 25 पैसा की सिक्कों की संख्या निकालना है, तो ये वाला निकालना है, मतलब टोटल कितना है 324, प्रश्न में जो दिया है उसे अंश में लिखते हैं, और अनुपात वाला टोटल 100 और 62, मतलब 162 इसे हर में लिखेंगे, 25 पैसा वाला निकालना है तो 25 पैसा वाला कितना है 62, तो 62 से गुना करेंगे, मतलब 25 पैसा वाला ये निकालेंगे, इसे हल कीजिए, 162 दुनी 324, और ये 2 गुना 62, तो 2 गुना 62 कितना हो जाएगा 124, 2 दुनी 4 6 दुनी 12, मतलब 124 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मतलब किसी तरीके से बनाइए आप, कोई आंसर वही आएगा। तो ये हम इंडिकेशन से बना रहे थे, यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती हो गया था, 62.8 लिख दिए थे, 64.8 होगा। तो देखिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए, पहले इसे मिटा लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो एसएससी 2003 में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 312 रुपया को 100 लड़के एवं लड़कियों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़का को 3.60 रुपया तथा प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपया मिले, तो लड़कियों की संख्या बताइए। ऑप्शन दिया गया 35 40 60 पैसा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा, इससे थोड़ा डीपर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इसे भी हम दो प्रकार से बता देते हैं, ताकि जो भी तरीका आपको पसंद पड़े बना सकते हैं, एक्स मान के भी इसको बता देते हैं, मतलब दो वेरिएबल में अपनी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का मेथड फर्स्ट देखिए, पहले आसान सा तरीका बताते हैं, मतलब एजी मेथड जो भी होता है। क्या निकालना है, लड़कियों की संख्या, 100 लड़का तथा लड़की, 100 टोटल है, उसमें लड़का भी है लड़की, आपको लड़की निकालना है, मतलब गर्ल्स निकालना है, लड़की की संख्या आपको निकालना है, लड़कियों की संख्या आपको निकालना है, मतलब गर्ल्स आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल को जितना भी है बॉय मान लेंगे, मतलब 100 लड़का तथा लड़की, 100 में जो है लड़का भी लड़की है, तो 100 के 100 क्या मान लिए, लड़का मान लिए, लड़की की संख्या निकालना है तो टोटल को मान लिए, 100 जो है वो पूरा पूरा लड़का है, तो एक लड़का को मिलता है 3.60 रुपया, तो 100 लड़कों को कितना मिलेगा, 100 लड़कों को कितना मिलेगा, 100 गुना 3.60, तो ये कितना हो जाएगा, 360 2 को 0, मतलब 2 अंक बाद दशमलव करेंगे, यानी कि कितना चलेगा, 3, यहां पर से हल करेंगे तो 360
60 रुपया, इतना तो आप समझ चुके होंगे। एक लड़का को मिलता है 3 रुपया 60 पैसा, तो 100 लड़कों को कितना मिलेगा? 360 रुपया। और आपके प्रश्न में दिया है कितना? 312 रुपया। प्रश्न में कितना दिया है? प्रश्न में दिया है 312 रुपया। तो यहाँ दोनों का अंतर कितना है? 48 रुपया। और यहाँ देखिए 3 रुपया एक लड़की को मिल रहा है, एक लड़का को 3 रुपया 60 पैसा और एक लड़की को मिल रहा है 2 रुपया 40 पैसा। तो 3 रुपया 60 पैसा ये लड़का को मिल रहा है और लड़की को मिल रहा है 2 रुपया 40 पैसा प्रत्येक का रेशियो, ये रुपया का रेशियो। तो ये दोनों का अंतर कितना है? 1.20 का, मतलब 1.2 से भी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों का अंतर 1.2 है। 1.20 का मतलब 1.2 हुआ। तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, मतलब 48/1.2, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो चलाएगा, 12 × 48 मतलब 40, यानी कि गर्ल्स लड़कियों की संख्या कितना चले आ रहा है? 48, यानी कि 48 गर्ल्स। बॉय निकालना है तो बॉय क्या है, यहाँ से बॉयज कैसे निकालेंगे? टोटल, मतलब टोटल कितना है? टोटल आपके प्रश्न में 100 है, तो 100 में से 40 लड़की हो गई, तो लड़का कितना हो गया? 60 हो गया। तो आपसे जो प्रश्न में पूछे बता सकते हैं, मतलब लड़कियों की संख्या तो 40। देखिए इस प्रश्न को हमने मेथड फर्स्ट बताया, मेथड सेकंड एक्स मानकर भी आप बना सकते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं, देखिए लड़कियों की संख्या निकालना है तो 100 के 100 मान लिए टोटल लड़का है, एक लड़का को मिल रहा है 3 रुपया 60 पैसा, तो 100 लड़का को कितना मिलेगा? 360 रुपया मिलेगा, जबकि प्रश्न में दे रहा है कितना? प्रश्न में दे रहा है 312 रुपया। तो 312 रुपया प्रश्न में दे रहा है और माने उसके अनुसार आया 348, तो 300 माने उसके अनुसार आया 360, तो 360 और प्रश्न में दिया 312, दोनों का अंतर कितना? 48। और यहाँ 2 रुपया 40 पैसा 3 रुपया 60 पैसा का अंतर कितना? 1 रुपया 20 पैसा। तो अंतर का तुलनांतर से किए, मतलब 48/12 1.2 हटाए तो ऊपर 1 जीरो गया, 12 × 48 चल रहे हैं 40, मतलब इस प्रश्न का आंसर हो गया 40। लड़कियों की संख्या 40 निकल कर चलाया, लड़का की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे? 100 में से 40 घटा देंगे, मतलब 60 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को ये लॉजिक से, मतलब तुरंत पहला मेथड से बना सकते थे। दूसरा मेथड हम दो वेरिएबल में बता देते हैं, मतलब एक्स और वाई मानकर जैसे भी आप बना सकते हैं। मतलब पिछले वीडियो में हम जो बताए थे कि किसी भी क्वेश्चन को आप 5 तरीके से बना सकते हैं, तो कोई भी तरीका, यहाँ पर हम 2 वेरिएबल से बना देते हैं। 2 वेरिएबल जो होता है, मतलब एक्स वाई मेथड से, एक को एक्स मानेंगे दूसरा को वाई मानते हैं, 2 वेरिएबल उससे। मतलब लड़कियों की संख्या निकालना है आपको, बॉय लिख देते हैं एक तरफ, एक तरफ गर्ल्स लिख देते हैं, ठीक। बॉय मिस लड़की, लड़का, और गर्ल्स मिस लड़की। तो देखिए लड़का की संख्या को हमने एक्स माना और लड़की की संख्या को हम वाई मान लिए, एलिगेशन से नहीं एक्स वाई से बना रहे हैं, बॉय को एक्स माने लड़की को वाई माने। तो देखिए दोनों को, मतलब लड़का और लड़की मिला के टोटल कितना है? 100 है, एक्स प्लस वाई बराबर 100, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और देखिए एक लड़की को, एक लड़का को मिल रहा है कितना? 3 रुपया 60 पैसा, तो एक्स लड़का को कितना मिलेगा? 3 रुपया 60 पैसा गुना एक्स, प्लस एक लड़की को मिल रहा है 2 रुपया 40 पैसा, तो वाई लड़की को कितना मिलेगा? 2.40 × 22, ये तब पूरा लेने की कितना हो जाता है? टोटल मिलाकर 312 रुपया। तो देखिए ये हो गया इक्वेशन दो, दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए, एक्स वाई का मान निकालिए, वही आपके प्रश्न का आंसर होगा। इसे भी सोल्व कैसे जल्दी करते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो कोई भी प्रश्न में 3.60 लिखा है, इसका मतलब दशमलव के बाद कोई अंक है उसके बाद जीरो है, तो ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसका मतलब 3.6 लिखा गया है, जीरो का मतलब नहीं होता है। दशमलव के बाद कोई अंक, उसके बाद जीरो कितना भी रहे तो उस जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। मतलब ये कितना है? 3.6, ये 2.4 लिखा है। सबसे पहले तो इतना कर लिए। अब देखिए यहाँ पर से आप ये कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ अगर जो हम 10 से गुना करेंगे इसमें और इधर भी 10 से गुना करेंगे तो 10, ये समीकरण दो है, समीकरण दो है, 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स गुना इधर हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 से गुना करेंगे, मतलब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं? 10 से गुना कर रहे हैं, 10 से गुना कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 36x + 24y = 31x20। अब देखिए ये 12 से कैंसिल हो रहा है सभी, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24, और ये 12 × 6 = 24, 7 × 2 = 72, मतलब इस प्रकार से हो गया। अब x प्लस वाई बराबर 100 है, आप x को काटना चाहते हैं या y को? देखिए क्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या, मतलब y हमें निकालना है ना, तो y निकालना है तो x को काटेंगे, मतलब 3 से गुना कर देते हैं इसमें, इसमें कितना से गुना कर देते हैं? 3 से, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3x + 3y = 300,
हल कीजिए, मतलब घटाने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाई बराबर माइनस चालीस, यानी कि बाई बराबर कितना चला आया, चालीस, यानी कि लड़कियों की संख्या डायरेक्ट निकाल के चला आया चालीस। लड़का पूछेगा तो मतलब x प्लस बाई सौ है, जिसमें से बाई चालीस है, तो x कितना हो जाएगा, साठ हो जाएगा। आप डायरेक्ट बना सकते हैं, x बाई से भी, एलिगेशन से भी बना सकते हैं। तो अगर तो हम सभी तरीका से क्वेश्चन को बताने लगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हम बेसिक से एक क्वेश्चन को बता दिए, अब जो भी क्वेश्चन होगा जैसे मैंने फर्स्ट बताया तो उसी तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे, चाहे ब्याज वाला क्वेश्चन हो या निशानेबाज वाला क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग मेथड फर्स्ट से बनाएंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं हो। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 15 हम लोग सिर्फ एक ही तरीका से बनाएंगे ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन करेंगे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, 14 का सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। एक छात्रावास मतलब हॉस्टल में लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या 80 है, सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रत्येक लड़का ने 20 रुपये तथा प्रत्येक लड़की ने 12 रुपये का योगदान दिया, जिससे कुल धन 1320 रुपये जमा हो गया। तो बताएं कि छात्रावास में कुल कितने लड़के हैं। आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे, मतलब एक हॉस्टल है जिसमें टोटल पिछले क्वेश्चन में 100 लड़का लड़की था, इसमें 80 है, सरस्वती पूजा है, उसमें एक लड़का 20 रुपया देता है और एक लड़की 12 रुपया देती है, तो कुल मिलाकर कितना रुपया हो जाता है, 1320 रुपया। तो उस छात्रावास मतलब उस हॉस्टल में कुल कितना लड़का है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए कुल कितने लड़के हैं, आपको क्या निकालना है, लड़का की संख्या निकालना है, लड़का निकालना है। तो टोटल के टोटल जो भी है 80, उसको मान लेंगे क्या है, और लड़की है, मतलब टोटल 80 जो है लड़की है, तो एक लड़की को मिल रहा है 12 रुपया, तो 80 लड़की को कितना मिलेगा, 80 गुना 12 मतलब कितना, 960 रुपया, जबकि आपके प्रश्न में दिया है कितना, 1320 रुपया, प्रश्न में दिया है 1320 रुपया, प्रश्न में दिया है कितना, 1320 रुपया। तो 960 और 1320 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 960 और 1320 का अंतर कितना हो जाएगा, 40 यहां दे देंगे तो 40 बीस 60 और 10 तीन 13 मतलब 360 हो गया। और देखिए 20 रुपया, एक लड़की को 20 रुपया और एक लड़का को 20 रुपया और एक लड़की को 12 रुपया, मतलब लड़का और लड़की, लड़का को मिल रहा, लड़का दे रहा है 20 रुपया जबकि लड़की दे रही कितना, 12 रुपया, तो दोनों का अंतर यहाँ कितना है, 8 रुपये का। तो अंतर के तुलना अंतर से करेंगे, मतलब 360 बटा 8, ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 4 जीरो मतलब 8 पच्चीस 40 यानी कि 45। तो 45 इस छात्रावास में टोटल लड़के हैं। इस प्रश्न को इस प्रकार बनाएंगे तुरंत। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 यही बना देते हैं। देखिए एक निशानेबाज प्रतियोगिता में सही निशाना लगाने पर 3 रुपये मिलता है तथा गलत निशाना लगाने पर 1 रुपया काट लिया जाता है। तो एक निशानेबाज ने कुल 75 निशाने लगाए और 5 रुपये प्राप्त किया, तो बताएं कि उसने कितने सही निशाना लगाया। तो आपको सही निशाना पूछ रहा है, सही निशाना कितना लगाया, तो जितना भी 75 निशाना टोटल लगाया है, टोटल के टोटल गलत लगाया, ऐसा मानेंगे। सही निकालना है तो टोटल के टोटल को गलत मान लेंगे। तो 75 निशाना वो टोटल लगाया है, 75 निशाना टोटल लगाया है, तो हाँ इतना ध्यान रखिए कि सही को हम लोग प्लस से लिखेंगे, गलत को माइनस से लिखेंगे, मतलब जो प्राप्त किया है प्लस और जो लॉस किया है माइनस से। तो ध्यान से देखिए 75 निशाना लगाया है, 75 सही निकालना है हमको, तो टोटल के टोटल 75 है जो गलत है, तो एक गलत पर 1 रुपया कट रहा है, तो 75 गलत पर कितना कट जाएगा, 75 गुना 1 मतलब 75 रुपया कट जाएगा, यानी कि ये माइनस 75 हो गया, क्या 75 रुपया उसका लॉस हो गया, जबकि उसके प्रश्न में दिया है आपके प्रश्न की 5 रुपया प्राप्त किया है, मतलब प्लस 5 रुपया वो गेन किया है, उसके पॉकेट में आया 5 रुपया, तो प्राप्त किया मतलब प्लस दिए और उस लॉस किया मतलब उसके पॉकेट से हटा, मतलब माइनस 75 और प्लस 5 का अंतर कितना 80। ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 वीडियो में ही पूरा डिटेल से बता दिए थे कि माइनस और प्लस रहता है तो अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं, या 80 कैसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, अंतर मतलब बड़ा माइनस छोटा, तो माइनस 75 5 में बड़ा कितना है, 5 बड़ा है और बड़ा माइनस, अंतर मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा 5 है, 75 माइनस 75 छोटा है, तो माइनस 75 को कॉस्ट में लिखेंगे, माइनस माइनस से ही प्लस हो जाता है, तो 5 प्लस 75 80 हुआ, इसे हम शॉर्ट में डायरेक्ट इस प्रकार लिखते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखिए
सही निशाना निकालना है हमें, तो टोटल के टोटल 75 निशाना गलत होगा ऐसा मान लिए, तो एक गलत पर 1 रुपया, तो 75 गलत पर 75 रुपया कट गया, मतलब -75, और जबकि ऊपर आप किया है 5 रुपया, तो -75 और +5 दोनों का अंतर 80, जबकि आपके प्रश्न में क्या दिया है, एक सही पर क्या दिया है, सही पर 3 रुपया मिलता है, गलत पर 1 रुपया कट जाता है। देखिए सही निशाना पर 3 रुपया मिलता है, सही पर 3 रुपया मिलता है, और गलत निशाना पर 1 रुपया कट जाता है, तो +3 और -1 का अंतर कितना, 4, ये आपको जानते हैं, मतलब 3 माइनस माइनस 1, तो ये 3 + 1, इस प्रकार से 4 होता है। आप डायरेक्ट इस प्रकार कीजिएगा, प्लस माइनस रहता है तो अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं, अंतर बटा अंतर करेंगे, मतलब 80 बटा कितना करेंगे, 80 बटा कितना करेंगे 4, 80 बटा 4 किए तो मतलब कितना हो गया, 20 × 80, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, मतलब उसने 20 निशाना सही लगाया। अगर जो कितना निशाना गलत लगाया, गलत निशाना निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल 75 निशाना लगाया, 75 निशाना में से 20 निशाना को हम घटा देंगे, तो वो जो भी निशाना लगाया वो गलत था। उसी प्रकार से अगर तो पिछले क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या पूछता तो कितना होता, लड़का 45 आ गया, तो लड़की निकालना है तो 80 में से 45 घटा देंगे, वही लड़की की संख्या निकल जाएगी। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को बंद करते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों ही पिछले प्रकार जैसा ही क्वेश्चन है, मतलब अंक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा इस पार्ट में हम लोग कर लेंगे। ध्यान से देखिए, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता था, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक विद्यार्थी ने 100 प्रश्न हल किए तो उसने 300 अंक प्राप्त, 300 अंक मिलता है, तो बताया कि उस विद्यार्थी ने कितने गलत उत्तर दिए, 20, 80, 60, 40, ये ऑप्शन दिया गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, कितने गलत उत्तर दिए जो आपको निकालना है, मतलब गलत उत्तर आपको निकालना है, गलत उत्तर आपको निकालना है, तो जो भी टोटल प्रश्न था मान लिए कि वो सही दिया उत्तर, तो टोटल कितना 100 प्रश्न था, 100 को मान लिए पूरा के पूरा उसने सही हल सही आंसर दिया, मतलब एक सही पर कितना अंक मिलता है, 4 अंक, तो 100 सही पर कितना अंक मिलेगा, 100 × 4 मतलब 400 अंक मिल जाएगा, यानी कि +400 से बोल सकते हैं, जबकि आपके प्रश्न में दिया है उसे 300 अंक मिलता है मतलब प्लस, प्रश्न में क्या दिया है 300 अंक मिलता है मतलब +300, दोनों का अंतर कितना 100 हो गया, जबकि 4 अंक दिया जाता है, मतलब सही पर 4 अंक दिया जाता है और गलत पर कितना 1 अंक काट लिया जाता है। देखिए गलत पर 1 अंक काट लिया जाता है, तो यहाँ सही और गलत 1 अंक के लिए, मतलब एक प्रश्न के लिए सही 4, एक प्रश्न के लिए गलत पर 1 अंक काट लिया जाता है, तो अंतर कितना 5 का, तो अंतर के तुलना अंतर करेंगे, मतलब 100 / 5 यानी कितना चला गया 20, मतलब इस प्रश्न का आंसर हो गया 20। ये आप समझ चुके होंगे, मतलब पिछला वीडियो पिछला कंसेप्ट भी हमने बताया था वही, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन नंबर 14, 16, 15 नंबर क्वेश्चन था वही क्वेश्चन, ये भी है सेम टाइप का। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बना रहे हैं, क्या बोल रहा है, एक निशाने बाद प्रतियोगिता में सही निशाना लगाने पर 12 रुपये मिलता है, गलत निशाना पर 5 रुपया काट लिया जाता है, मतलब ध्यान से देखिए सही निशाना है और गलत निशाना है, सही पर 12 रुपये मिलता है, जब मिलता है मतलब प्लस काट लिया जाता है मतलब -5 रुपया, इन दोनों का अंतर पहले कितना है 17 रुपये, इतना तो आप समझते होंगे। देखिए आगे, कुल 125 निशाना लगाया और 905 रुपये प्राप्त किया, तो उसने कुल कितने गलत निशाना लगाया, आपको गलत निकालना है, गलत आपको निकालना है, मतलब पिछला क्वेश्चन में 15 नंबर में था कि सही निशाना निकालना था, इस क्वेश्चन में हमने दिया गलत निकालना है, तो गलत निकालना है, तो टोटल 125 निशाना लगाया, तो मान लीजिए टोटल के टोटल सही निशाना लगाया, तो 125 निशाना लगाया जो सही था, मतलब 125 गुना 1 सही पर कितना 12 अंक मिलता है, मतलब 12 रुपये मिलता है, तो 125 सही है, तो 125 गुना 12 मतलब कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, हाथ में 6, 12 × 4 = 44 और 6 मतलब 150, यानी कि 1500 रुपये उसको मिलता, यानी कि इसको बोल सकते हैं +1500, जबकि आपके प्रश्न में दिया है कितना मिल रहा है 905 रुपया, प्रश्न में दिया रहा है कितना 905 रुपया, तो +905 रुपया लिखेंगे, 1500 और 905 रुपये का अंतर कितना है, 1500 में से 900 घटा दीजिए तो 600 हो जाएगा, 5 रुपया घटाइए तो 595 रुपया, मतलब 595 रुपया, तो ये 595 रुपया ये अंतर और ये अंतर दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब 595 / कितना 17, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 57 + 51 में से 51 घटाइएगा तो 8 शेष बचेगा, 8 × 5 मतलब 85, 17 × 5 = 85, यानी कि 35 जो आंसर दिया वो गलत निशाना का था, मतलब 35 गलत निशाना
सही निशाना निकालना है तो 125 में से 35 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 निशाना था जो सही निशाना था। इतना समझ चुके होंगे मतलब। तो इस पार्ट में हमने किया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सही निशाना था गलत निशाना था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं 18, प्रत्येक सही उत्तर पर कितना दिया जाता है, सही आपको निकालना क्या है प्रश्न में। देखिए उस विद्यार्थी ने कितने गलत उत्तर दिए, आपको गलत उत्तर निकालना है। गलत उत्तर निकालना है तो टोटल के टोटल क्या मान लेंगे, सही था। टोटल के टोटल मान लेंगे सही था। तो उस विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न हल किया, एक प्रश्न पर उसे 5 अंक मिलता है और एक गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिया जाता है। तो उसने हमें निकालना है टोटल गलत उत्तर कितना दिया। तो मान लीजिए कि जितना भी उसने आंसर दिया टोटल का टोटल सही था, मतलब 75 प्रश्न हल किया 75 सही था, तो एक सही पर मिल रहा है 5 अंक। तो 75 सही पर 75 × 5 मतलब 375 अंक उसे मिला। और आपके प्रश्न में दिया है 270 अंक, प्रश्न में दिया है कितना, प्रश्न में दिया है 270 अंक मिला। तो 375 और 270 का अंतर कितना है, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 7 में से 7 तो 0, 3 में से 2 1 मतलब 105। जबकि आपके प्रश्न में एक प्रश्न पर क्या चल रहा है, सही और गलत के लिए अंतर, एक प्रश्न पर सही मिल रहा है 5 अंक और गलत के लिए मिल रहा है 2 अंक माइनस हो रहा है। देखिए गलत के लिए 2 अंक काट लिया जाता है, सही के लिए 5 अंक दिया जाता है। तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा 7 का, मतलब 105 में कितना से भागा देंगे, 7 में अंतर कितना अंतर से करेंगे, यानी कि 15 × 75 से, यानी कि 15 प्रश्न का उसने गलत उत्तर दिया। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है कि एक मजदूर को 30 दिन पर इस शर्त पर रखा गया कि एक दिन वह काम करेगा तो 60 रुपये मिलेगा और एक दिन काम नहीं करेगा मतलब अब्सेंट रहेगा अनुपस्थित रहेगा तो 12 रुपये उसे दंड देना होगा। उसने कुल 360 रुपया कमाया, मतलब उसे 360 रुपया मिला, तो वह कितने दिन काम पर अनुपस्थित रहा, मतलब काम पर कितने दिन नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को हमने HW के रूप में रहने दिया है, मतलब इसे आप खुद बनाइए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। और अगर मेरा यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आप आंसर अवश्य दें, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो सीख रहे हैं या नहीं इसका आप खुद अपने आप तुलना कर सकते हैं इस प्रश्न को बना के। यह सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, आप इसका हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन भी दिया गया है कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन लिखना है तो पूरा सही लिखना है कि 1 नंबर 20 दिन, 2 नंबर तो 10 दिन, 3 नंबर तो 5 दिन, 4 नंबर तो 15 दिन, मतलब आपको कमेंट बॉक्स में इसका इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन करेंगे, अगला वीडियो जो भी होगा लास्ट वीडियो होगा वो वीडियो भी लगभग 30-35 मिनट का होगा, उसमें हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन अवश्य करेंगे और गाय मुर्गा से संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो पूरा खत्म करेंगे। तो अब यह वीडियो समाप्त करते हैं, मेरे अवश्य जो भी चैनल है मैथ गाइड मनोज कुमार, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।